去。कबूतर उड़, चिड़िया उड़, आरव उड़। Yes. अपने मुंह से निकाल के दे दियो, पापा पापा उड़, मामा उड़, मामा उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया किधर उड़ रही है देख रहे हो? उड़। ओके पापा पापा को लगेंगे दे आजा नमक मिर्च मसाला डालेगा ए ए दादा आर का टर्न आर ए ए ठीक है मम्मी का कर दे मसाला नहीं आता मामा का नमक आर कैसे करते हैं ए ए ए ए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज के दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है आपने देख ही लिया होगा और अभी ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हमारा डन हो गया है और स्पेशल थिंग आज ये है आज से हमने एक अलग तरह की डाइट प्लान स्टार्ट किया है जिसमें हमने चाय नहीं बनाई है और चाय हम नहीं पियेंगे अब एक सर्टेन टाइम तक तो एटलीस्ट वन मंथ तक हम चाय नहीं पियेंगे देखते हैं क्या हम रह पाते बिना चाय पिए पहले मैं थोड़ा कई दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और इसलिए मैंने कोई वीडियो व्लॉग कुछ नहीं बनाया आई थिंक 2 weeks हो गए हैं ऑलमोस्ट और 2 week में मैं 2 बार बीमार हो गई हूँ मुझे माइग्रेन की थोड़ी प्रॉब्लम है थोड़ी नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलिए तो उसकी वजह से आज हमने पूरा डाइट प्लान चेंज कर दिया है चाय हमने नहीं पी है और हमने सोचा है अब हम चाय नहीं पियेंगे उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में जो परांठे वगैरह ऑयली थिंग नहीं खानी है तो फूड्स और हल्की चीज़ें खानी है डाइट प्लान चेंज किया है थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी चेंज करने के लिए सोच रही हूँ बच्चे पे 2 मिनट ध्यान ना दिया जाए ना हालत खराब कर लेते हैं इसे देखो अभी इसको मार्कर मिल गया था और पूरा फेस पेंट कर लिया मुश्किल से उतारा है थोड़ा थोड़ा उतरा अभी और अब ये रो रहा है कि बाहर लेके जाऊँ घूमी घूमी करने जाना है इसको जाना है बाहर भाई साहब चलो लेके चलते हैं इसको बाहर थोड़ा घुमा के लाते हैं और आप भी थोड़ा देख ही लेंगे तब तक ओ पेंटर रुक जा बाबू पेंटर बाबू आ रहा हम लोग बाहर निकले हैं अभी बहुत अच्छा सनी डे है और बेबी को थोड़ी देर घुमाने के लिए निकले हम लोग हाँ इधर हाँ और ये देखिए बेबी कार सीट हमने धोई थी अभी गाड़ी में रखने के लिए लेके आए इतना एक्साइटेड हो रखा है यार अब बाहर घूमने के लिए यस कार कार कमिंग कम हियर कम हियर नो नो डोंट रन कोई भी वॉक कर रहे हैं अभी इतना अच्छा सनी डे है शाम के 6:50 और देखो भाई सूरज ऐसा कैसा निकला हुआ है सुबह के जैसा निकला हुआ है वहाँ पे सूरज है जी देखो कितना खुश हो रहा है भाग भाग के तो मस्ती बहुत लगता है बाहर पानी में जंप करना उसको पानी में जंप करना पानी नहीं है पर उसको तो लग रहा है ना चलो आज आपको राउंड कराते हैं हमारी कम्युनिटी का कैसी दिखाई देती है हमारी कम्युनिटी कम देखो जी इसको दोनों का हाथ पकड़ के चलना है ऐसे कम कम्युनिटी है हमारी सब मोस्टली इंडियन है मैक्सिकन ज़्यादा हैं बाकी तो सभी तरह के यहाँ पे लोग हैं तो कार बहुत दिखाई देती है काफ़ी अच्छा वेदर है बहुत अच्छा लग रहा है आज निकल के बाहर कल जो है आई मीन लाइक डे बिफोर यस्टरडे परसों रात को बारिश होना शुरू हुआ था कल पूरा दिन और पूरी रात और परसों की रात बारिश हुई है कंटिन्यू और उसके बाद भी यहाँ की ज़मीन देखो ज़्यादा गीली नहीं है सारी बिल्डिंग्स जो है हमारी इस तरह से एक एक बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है आई थिंक 10 से ऊपर है बिल्डिंग में आई थिंक 90 के करीब अपार्टमेंट है 3 फ्लोर का है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है घर इस तरह से 3 फ्लोर के हैं 1, 2 और 3
तो इस तरह से हमारा नेबरहुड कुछ दिखाई देता है। नेबरहुड तो नहीं, हमारी कम्युनिटी है ये। नेबरहुड जो होता है वो साइड वाले जो हैं हमारे यहाँ पे नेबर में जो हैं अपने पर्सनल घर हैं लोगों के। आज सिर्फ कम्युनिटी का राउंड कराते हैं हम। कैसा दिखाई देता है? सब लकड़ी के घर हैं, लकड़ी के ही हैं। और मैंने एक जो वीडियो डाला था पहले, उसमें लकड़ी का घर ये लोग कैसे बनाते हैं वो दिखाया था। तो कई सारे कमेंट मुझे आए थे और लोगों ने कुछ पूछा भी था कि लकड़ी के घर यार कैसे चलते होंगे। तो ये देख लीजिए आप, ये कम से कम 100 ईयर पुराने हैं एटलीस्ट, नहीं तो गारंटी होता है 100 ईयर का। और 100 ईयर तक इनको कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत मेंटेनेंस तो देखो चाहिए होती है घरों में, थोड़ी बहुत कभी फिक्स करानी पड़ती है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, पर लकड़ी खराब नहीं होती है बिल्कुल भी। मून दिखाई दे गया, ओ माय गॉड, मून ये देखो जी, मून दिखाई दे रहा आप लोगों को। और ये हमारे चुनमुन राजा को मून दिखाई दे गया। मून आउल नहीं है, मून है, मून वो ट्रक बोल रहा है उसको, ट्रक। अभी आजकल ये नई नई चीजें सीख रहा है और नई नई चीजों में इसको हर चीज को पूछना है ये क्या है क्या है। उसको एरोप्लेन दिखाई दे गया, देखो अगर आपको भी दिखेगा तो वीडियो में, ये देखो एरोप्लेन जा रहा है और ये नीचे से उंगली करके एरोप्लेन दिखा ला। एरोप्लेन 1 माइल यानी कि 1.5 किलोमीटर में हमारी कम्युनिटी जो है पूरी बनी हुई है। अगर उसका पूरा एक राउंड लेंगे हम लोग तो 1 माइल बन जाता है। 1 माइल जो होता है 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। अभी जो है स्प्रिंग सीजन है ये यहाँ पे, स्प्रिंग में बसंत ऋतु जो बोलते हैं वही है। और अच्छे काफ़ी अच्छे फ्लावर्स के दिन थे, मैंने सोचा था शूट करेंगे पर जो है कोरोना वायरस के चक्कर में वो भी मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। और वेदर जो है अब पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, पोल्यूशन ना होने की वजह से ये बारिश रेनिंग वेनिंग ज़्यादा हो रही है और जिसकी वजह से ठंडा काफ़ी हो रखा अभी तक। अभी आज है 30 अप्रैल है आज, और ऑलमोस्ट यू कह सकते हो आज मई हो गया है। और अभी तक यहाँ पे 2-4 दिन पहले तक स्नो हो रही थी, काफ़ी ठंडा है। वैसे भी शिकागो में जो है ठंड ज़्यादा होती है, समर का सीज़न 2-3 महीनों का ही रहता है बस यहाँ पे। ये देखो फ्लावर्स दिखाते हैं हम आपको, देखो फ्लावर पूरे अभी जो है ना वाइट हो गए हैं, ये इतने खूबसूरत ये लग रहे हैं, अभी तो वाइट हैं जो है बहुत सारे। और इन्हीं से जो है पत्तियाँ निकल जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, पहले इन ये पौधे ऐसे हैं ना, इन पे पहले फ्लावर आते हैं और फिर पत्तियाँ आती हैं, इतना खूबसूरत दिखाई देते हैं। मेरा बेटा मुँह नहीं दिखाई जा रहा जब से शाम के 7:45, इतना ज़्यादा धूप अभी तक है, लग रहा है कि सुबह हुई है, सुबह का उगता हुआ सूरज जैसा दिखाई दे रहा है। अभी तो क्या है धीरे धीरे आगे चल के 9 बजे तक धूप जो है इसी तरह से निकली रहेगी। 9 बजे के बाद जाके थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है। ये हमारा क्लब हाउस है, क्लब हाउस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, क्लब हाउस जो कम्युनिटी हॉल होता है वही होता है। और यहाँ पे मोस्टली पैकेजेस वगैरह हमारे यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े। आजकल जो है क्लब हाउस बंद है। डक दिखा इसको, थोड़ा सा यहाँ पे लेक जैसा है एक छोटा सा। और ये 2 डक हैं रहते हैं, कपल हैं, और इसको बहुत पसंद है वो देखना, भागता है उनके पीछे। और ये डेंजर भी है, अटैक कर देती हैं वापस, ध्यान रखना जी अटैक कर देगी वो। ये क्लब हाउस सेंटर में है और इसके इधर से बिल्डिंग लेके 2 इसके पीछे बिल्डिंग है क्लब हाउस के, और एक हमारी, एंड देन ये ऐसे करके आगे तक भी बिल्डिंग है। और ये यहाँ पे बिल्डिंग है, एक एक बिल्डिंग में मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 96 कितने अपार्टमेंट हैं। यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये कोरोना वायरस की वजह से। और अभी जो है रूल क्या है, कंपलसरी आपको मास्क लगा के बाहर जाना है बस, बाकी और कुछ नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। बस मॉल्स वगैरह बंद हैं ही हैं और अपना ग्रोसरी शॉप वगैरह सब खुले हुए हैं। चलो आगे देखते हैं कैसा दिखता है। हाय हाय, आरा जस्ट सेड हाय टू एवरीवन, हाय एवरीवन। हमारा बेटा जो है मास्क नहीं लगा रहा, मैंने बनाया भी इसके लिए छोटा सा मास्क। तो हमारी बिल्डिंग है, आरो के कमाल देखो, ये यहाँ पे बच्चों का पार्क है खेलने के लिए, वहाँ खेलना अलाउड नहीं है। अब वहाँ से दूर जा रहे हैं तो वो रो रहा है क्योंकि हम लेके नहीं जा रहे हैं उसको, सन हम वापस जा रहे हैं। पूरे बिल्डिंग नहीं दिखा पाए, हम जा रहे हैं वापिस
नहीं तो आरव है जो जिद कर रहा है पार्क में जाने के लिए, इसलिए नहीं जाना जा रहे हैं। हम लोगों से ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है ना, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या है, क्यों रोक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। मून, वेयर इज द मून बेबी, मून, यस। अभी भी मनून दिखा रहा है आरव, और अच्छा वॉक ले लिया जो है हमारा, वॉक हो गया काफी लंबा, आपको राउंड भी करा दिया आज मैंने यहाँ का। कहाँ पे हम रहते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में, कि जब भी हम बाहर निकलेंगे अपने घर के यहीं पे हैं कि कहीं दूर गए हुए हैं। और मैंने सोचा एटलीस्ट वीक में 1 or 2 व्लॉग्स तो मैं बना के डालूं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिन से, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और मिल तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Manoon, manoon.